हेलो गाइस दिस इज मी एनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मेक एनी वुमेन इंस्टेंटली रिग्रेट लूजिंग यू कैसे किसी भी वुमेन को मजबूर कर दिया जाए कि वो आपको मिस करे ठीक है वो आपको अगर छोड़ के जा रही है तो पछताए ये वीडियो लाजमी देखना क्योंकि मैं साइकोलॉजी बताने वाला हूँ कि हाउ वुमेन्स माइंड वर्क ठीक है इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके बिकॉज मैं डेली वीडियोज़ बनाता हूँ ताकि मैं आपकी डेली हेल्प कर सकूं और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है आ, थेरेपी सेशन बुक करना है एनीथिंग यू कैन कांटेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम सो टॉपिक है कि कैसे किसी को मजबूर किया जाए कि वो आपको छोड़ के ना जाए स्पेशली ये वीडियो है बॉयज़ के लिए मैंस के लिए बिकॉज मैं वुमेंस की साइकोलॉजी बताना चाहता हूँ तो द बेस्ट पार्ट अबाउट मैन इज मर्दों की हमारी सबसे अच्छी बात यह है कि हम लॉजिकल और एनालिटिकल क्रिएचर हैं ठीक है थीके? मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा मैं यही नहीं कह रहा कि वुमेंस हमसे कुछ कम है या हम उनसे ज़्यादा हैं दोनों अपनी फंक्शनिंग में बहुत बेटर हैं अगर वह अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को समझें ठीक है मैन आर लॉजिकल क्रिएचर मैन की सबसे अच्छी बात यह है कि हम सेल्फ रिफ्लेक्ट करना जानते हैं जो कि वूमेंस नहीं जानती सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या है यानी कि हम किसी भी हादसे के बाद किसी भी ट्रॉमा के बाद किसी भी प्रॉब्लम के बाद हम सेल्फ रिफ्लेक्ट करना जानते हैं हम हम बैठ के एनालिटिकली उसको सोच सकते हैं और नेक्स्ट टाइम उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं क्योंकि हम मोस्टली लॉजिकल सोच रहे होते हैं मोस्टली मैं ये नहीं कहूँगा कि ट्रूली Uh, मतलब फुली लेकिन मोस्टली बिकॉज वैसे एज अ ह्यूमन हम दोनों ही जेंडर्स इमोशनल क्रिएचर हैं ठीक है थीके? लेकिन मैन थोड़ा ज़्यादा एनालिटिकल है एज कम्पेयर टू वुमेन दैट्स वाई बिग बिगेस्ट बिजनेस लीडर्स एंड ऑल दैट ये सारे मैन um, होते हैं मैन um, हमेशा थोड़े एनालिटिकल जॉब सिलेक्ट करते हैं लाइक इंजीनियरिंग एंड ऑल दैट एंड वुमेन्स क्योंकि इमोशनल क्रिएचर हैं तो ज़्यादातर वो उनके जॉब सिलेक्शन भी उस तरह की होती है लाइक नर्सिंग एंड इवन के टॉयज भी जो बेबी टॉयज गर्ल के होते हैं वो हमेशा यू नो गुड़िया वो सिलेक्ट करती है खेलने के लिए और मेन जो है वो कार्स एंड इस तरह के एनालिटिकल चीज़ों की या टेक्नोलॉजी की क्यों क्योंकि दोनों की बायोलॉजिकल फंक्शनिंग डिफरेंट है तो इसलिए मेन सेल्फ रिफ्लेक्ट करना जानते हैं वुमेन्स ये नहीं जानती वुमेन्स का प्रॉब्लम यह है कि वो गाय टू तो गाय रिलेशनशिप से जाके सीखती है मैन एनालिटिकली वैसे भी सीख सकता है यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैन का एक ब्रेकअप होता है तो वो सेल्फ रिफ्लेक्ट करके काफ़ी चीज़ों को बेटर करता है मोस्टली वुमेंस का प्रॉब्लम ये है कि मोस्टली कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि आई नो सारी वुमेंस इस तरह नहीं है कुछ दस परसेंट रेयर ब्रीड भी हैं इस दुनिया में जो आ, मतलब चेंज है या जिनको सेल्फ रिफ्लेक्ट करना आता है जो लेकिन मोस्टली मैं कह रहा हूँ ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट वुमेंस ऐसी हैं जो हाईली इमोशन में डूबी होती हैं वो जो जिस टाइम फील करती हैं उस पर अमल करती हैं और इसी की वजह से ज़्यादातर टाइम वुमेन रिग्रेट करती हैं आपसे ब्रेकअप के बाद क्यों क्योंकि उस टाइम उसको इमोशनली फील हो रहा है कि यार बस ये अच्छा नहीं है दिल नहीं कर रहे थे बात करने का या इसकी कोई बुरी आदत बहुत चुभ रही है क्योंकि वुमेन्स को स्ट्रेस पर यूनिट बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस फील होते हैं एज कंपेयर टू मेन ठीक है ट्रेट नोटिसम के मुताबिक मैंने कितनी दफ़ा बताया है बार बार बताता रहता हूँ तो क्योंकि वूमे ज़्यादा नेगेटिव इमोशन फील करती है तो उस टाइम पे उससे उससे बात करके या उसे आर्ग्यू करके नहीं समझाया जा सकता तो उसको एक अजीब सी उलझन फील होती है जितना आप उसके करीब जाते हैं कभी शायद आपने नोटिस किया हो कि ब्रेकअप के वक्त जो आप उससे बात करने की कोशिश करते हैं उसे कॉल करने की कोशिश करते हैं वो नहीं उठाती या वो आपको इग्नोर करती है इंटेंसली आप या आप एक आईडी से बनाते हैं तो दूसरी आईडी से यू नो रिक्वेस्ट भेजते हैं कुछ बात करने की कोशिश तो वो ब्लॉक कर देती है किसी और नंबर से क्यों क्योंकि वो इमोशनली इतना इंटेंस फील कर करती है कि बस वो नहीं चाहती इसीलिए ऐसी सिचुएशन में फौरन उसे स्पेस दिया जाए जैसे ही आप उसे स्पेस देते हैं तो वो सेल्फ रिफ्लेक्ट पे चली जाती है कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया क्या मैंने गलत डिसीजन क्योंकि जब तक आप किसी को वैलिडेशन देते रहें तो वो कभी भी सेल्फ रिफ्लेक्ट पे नहीं जाएंगे ना जब तक आप उससे वैलिडेशन देते रहेंगे वो तो यही सोचते रहेंगे कि, कि मैंने डिसीजन सही लिया यानी कि मैं कोई सेलेब्रिटी हूँ या मुझे चेस कर रहा है सो दैट्स वाई जैसे ही वो आपको बोले कि उसने ब्रेकअप करना है उसे स्पेस ठीक है जितना जल्दी आप ये करेंगे उतना फायदा है क्योंकि अगर जितना आप ड्रामा क्रिएट करेंगे तो मिस तो वो आपको करेगी बिकॉज इफ ऑफकोर्स अगर आपका छः महीने से लंबा रिलेशनशिप था और आपका यू you नो know, रोमांटिक रिलेशनशिप था तो मिस तो वो करेगी ऐसा तो नहीं है कि वो मिस नहीं करेगी लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब वो मिस करेगी और पीछे मुड़ के देखेगी उस ड्रामा को ब्रेकअप के ड्रामा को जब आप बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे या आप आर्ग्यू कर रहे थे या आप उसे चेस कर रहे थे यू नो कैद करने की कोशिश कर रहे थे पिंजरे में तो उसको अजीब सी उलझन फील होगी और वो वापस नहीं आना चाहेगी इसलिए उनको आसानी से जाने दें हज़रत अली ने फरमाया था कि दोस्त एक आज़ाद परिंदे की तरह होता है उसे आज़ाद छोड़ दो यू you नो know, अगर वो लौट आए तो तुम्हारा अगर ना लौटे तो तुम्हारा कभी था ही नहीं तो दैट्स वाई इन दिस सिचुएशन ये रियली really इंपॉर्टेंट है कि उनको जाने दें वो कहें कि मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ या मुझे फ्यूचर नहीं नजर आ रहा तो आप कहें ओके सही है और यू नो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करें एक बार शायद आप बात कर सकते हैं वो भी कोशिश करें कॉल पे करें या फेस टू फ़ेस करें टेक्स्ट पे आर्ग्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है मुझे सबसे ज़्यादा फनी ये चीज़ लगती है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स एक दूसरे से घंटों आर्ग्यू कर रहे होते हैं टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट के ऊपर आप लिखते कुछ और हैं नेक्स्ट पर्सन समझता कुछ और है बिकॉज उसमें कोई टोन नहीं है ठीक है उसमें कोई फीलिंग्स नहीं है उसमें कोई इमोशंस नहीं है कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं है जैसे फेस टू फेस बैठ के आप बात करते हैं या कॉल पे एटलीस्ट वॉइस टोन से पता चल रहा होता है कि वो सचमुच में आपको छोड़ना चाहते हैं या आपको तंजिया कह रहे हैं आ, उससे आप एसेस करके थोड़ा समझ सकते हैं उस चीज को लेकिन रियल में टेक्स्ट पे कोई फायदा नहीं है इस चीज़ का तो डेट्स वाई टेक्स्ट पे नहीं किया अगर मुझे स्क्रीन आते हैं बहुत ज़्यादा Uh, इतनी लंबी लंबी कन्वर्जेशन की जो आर्ग्यू आपके बीच में चल रहा होता है मतलब आप सीरियस हैं।, हैं तो इससे और लड़ाइया क्रिएट होती हैं तो टेक्स्ट इज नॉट अ थिंग एंड एक तो आपने उनको जाने देना सेकेंड गॉड को करने दे अल्लाह को करने दे सब कुछ ठीक है अपनी तरफ से सही रहे मैं हमेशा ही कहता हूँ बाकी अल्लाह पर छोड़ दें जितना आप अपनी मेंटल पीस और एनर्जी को ख़राब करते हैं ये सोच के कि वो क्यों छोड़ के गई है क्या उसे कोई और मिला है वो कहाँ है आजकल वो मुझसे बात करेगी नहीं करेगी ये आप अपनी मेंटल पीस एनर्जी को ज़ाया कर रहे हैं सबसे बेटर वे है किसी लड़की को वापस लाने का किसी वुमेन को वापस लाने का कि उसे आज़ाद छोड़ दें उसे वेलीडेसन मत दें वुमेंस को बहुत मजा आता है बिकॉज दे आर इमोशनल क्रीचर वो कभी भी अपने डिसीजन के ऊपर शोर नहीं होती इसलिए वुमेंस बहुत कम ब्लॉक करती हैं आपको हमेशा ये आपने शायद आपने रियलाइज़ किया होगा कि ब्रेकअप्स के बाद वुमेंस ज़्यादा ब्लॉक नहीं करती वो फिर भी आपको फ्रेंड जोन में रखना चाहती हैं क्योंकि वो पेन की इंटेंसिटी को कम से कम फील करना चाहती हैं ठीक है, है? आ, वो आपसे फ्यूचर नहीं देख रही लेकिन वो ऐसा भी नहीं चाहती कि एकदम ये जो बीच में स्ट्रिंग है ये बिल्कुल एकदम कट जाए क्योंकि इससे उनको और ज़्यादा पेन फील होता है इसलिए वो चाहती है कि कम से कम उनको पेन फील हो और वो हमेशा आपको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना चाहती है मूवमेंट्स तो जैसे ही आप एकदम कट कर देते हो तो उनको एकदम एंगजाइटी उनकी शूट कर जाती है और अगर आप अपनी हैप्पीनेस शो कर रहे हो अपनी प्रोग्रेस शो कर रहे हो तो वो और ज़्यादा जल्दी वापस आते हैं एक और लास्ट में एक अहम चीज़ बताना चाहूँगा लाजमी इस चीज़ को सुने कि अगर आपकी गर्ल फ्रेंड जिसने आपसे ब्रेकअप किया अगर वो स्विच साइकिल में पड़ी हुई है स्विच साइकिल क्या होता है स्विच साइकिल ये होता है जिसमें इंसान एक पर्सन के पास दूसरे पर्सन के पास जाता है दूसरे पर्सन किससे आजकल क्योंकि डेटिंग बहुत ईजी है तो मोस्टली यंगस्टर दोनों जेंडर्स का बता रहा है वुमेन एंड मैन स्विच साइकिल में पड़ जाते हैं यानी पंद्रह सोलह साल की उम्र से पहला बॉयफ्रेंड बनाना शुरू करते हैं और पच्चीस तीस तक वो एक के बाद एक बॉयफ्रेंड बनाते रहते हैं क्योंकि ईजिली अवेलेबल है फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे यू नो डेटिंग एप्स हैं तो ईजिली अवेलेबिलिटी है तो इस चक्कर में वो लड़की पड़ जाती है स्विच साइकिल में क्योंकि आर अरबिबिजुअल क्रिएचर हम ए, आदतों के शिकार हैं हमारे लिए आदत को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है तो अगर उसको आदत पड़ी है एक के बाद एक को छोड़ने की तो ये भी आपके लिए अच्छी बात है क्योंकि अगर वो अभी आपको छोड़ के गई है तो चाहे नेक्स्ट पर्सन कितना ही अच्छा क्यों ना हो वो उससे भी छोड़ देगी क्योंकि वो आदत का शिकार है कभी कभी रिलेशन बहुत परफेक्ट होता है लेकिन फिर भी लोग छोड़ देते हैं स्पेशली वुमेंस क्योंकि उनको एड्रिल इन रश नहीं मिल रहा होता उस रिलेशनशिप में सो मैम एम नॉट अगेंस्ट वुमेन अगेन बता दूँ बट uh, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा हूँ दोनों जेंडर्स का तो ऑलवेज रिग्रेट लूजिंग यू बिकॉज दे आर इमोशनल क्रिएचर और जो जिस टाइम वो जो फील करती हैं बस उन्हें वही चाहिए होता है तो अगर वो उसने कहा कि ब्रेकअप करना है तो जाने दें एक टाइम ऐसा भी आएगा वो आपको मिस करेगी सो दैट्स इट फॉर टुडे चेस नहीं करना अल्फा मेल की तरह रहना है वैलिडेशन नहीं देनी और खामोश हो जाना है आर्ग्यू नहीं करना क्योंकि बातें बहुत चुभती हैं लोगों को सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव अ गुड डे